सभी ने गेम्स खेले हैं, कई सारे कंप्यूटर्स पर, और जब जब भी गेम्स खेलते हैं तो हर लेवल में हमें एक नए तरीके से सोचना पड़ता है उस लेवल को क्लियर करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी ए बी। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। एक बार एक वुड कटर को जॉब की बड़ी तलाश थी। फाइनली उसे टिमनो मर्चेंट में जॉब मिल गई, और जॉब में जो उसका बॉस था उसने कहा कि वो एरिया देखो, वहाँ जाओ, वहाँ जा करके पेड़ काटने हैं, और शाम तक जितना भी हो सके मुझे आ करके बताना है कि कितने पेड़ तुमने आज काटे हैं, क्या तुमने प्रोग्रेस की है, वो मुझे ज़रूर बताना, उसकी रिपोर्ट मुझे ज़रूर देना। वो शख्स गया, उस एरिया पे पहुँचा और वहाँ जा करके पेड़ काटना शुरू किया। जो शाम में उसने रिपोर्ट देनी थी उसने जा आ करके बतलाया कि आज उसने 18 पेड़ काटे हैं। बॉस ने कहा, क्या बात है, तुम्हारा जो है वुड कटर का काम एकदम परफेक्ट चल रहा है, ऐसे ही करते रहो। दूसरे दिन जूस में था और पेड़ काटे उसने। तीसरे दिन वो जो नंबर था वो घट करके 15 हो गया। चौथे दिन वो नंबर घट करके 12 हो गया। पांचवें दिन वो नंबर घट करके 10 हो गया। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब इतना टैलेंटेड बंदा जिसको फाइनली जॉब मिल गई थी, सब सही चल रहा था, सही जगह पर था, फिर ये नंबर कम क्यों होता जा रहा था। फ्रस्ट्रेटेड हो गया, फाइनली जाकर के बॉस से बात की कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले दिन 18 था, फिर वो कम हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि ये नंबर कम क्यों होता जा रहा है। तो जो बॉस था उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही और बड़ी काम की बात कही। उसने बोला कि तुमने कितने दिनों में किस कुल्हाड़ी की धार को तेज़ किया है। उसने कहा, यह तो मैं भूल ही गया, मैं तो बस काम में लगा रहा, यह तो सबसे ज़रूरी था कि इसकी धार को तेज़ करना। ठीक ऐसा ही आपकी और हमारी लाइफ में होता है। हम जब भी कोई नया काम करते हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे जॉब हो, हर वक्त हमें एक नई एनर्जी की ज़रूरत होती है, नए तरीके से सोचने की ज़रूरत होती है। और जब हम पहली बार काम करना शुरू करते हैं तब हो सकता है कि हमारे पास जो चैलेंज था वो बहुत छोटा था, हो सकता है जॉब के साथ वो चैलेंज बड़ा हो गया हो, लेकिन आप अपनी उसी सोच के साथ अभी भी काम कर रहे हैं। अपनी सोच को बढ़ाइए, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, नए तरीके से सोचना शुरू कीजिए। जो लेवल गेम का बढ़ गया है उस गेम के लेवल को उसी तरीके से खेलना शुरू कीजिए, तभी जाकर आपके अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। कई लोगों का कहना होता है कि हम अपने लाइफ में टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद पर काम करना बंद कर दिया है। जिस दिन वो अपने पर काम करना बंद कर देते हैं तो उस दिन ऊपर वाला आप पर काम करना बंद कर देता है। सो अंत में ये कहना चाहूँगी कि पैशनेट रहिए, अपने गोल को कभी भी मत भूलिए। सो एट द एंड, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई ऐप भी पेज के आप मुझे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।